हाँ तो भाई फाइनली अपने ट्राइबल चीफ और पॉल हेमन का भाई रीयूनियन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, रीयूनियन। दरअसल दोस्तों रिसेंट में ना न्यूयॉर्क पावर प्लेयर्स में ना इनका एक इंटरव्यू हुआ था, जहाँ पर दोस्तों ये दोनों ही लोगों एक साथ सेम बिल्डिंग के नीचे थे और यहाँ पर भाई रोमन रेंस को इंट्रोड्यूस ना पॉल हेमन ही किए थे और इनके बीच दोस्तों काफ़ी ऐसी सी बातें हुई है ना जो कि सही मायने में देखा जाए ना तो कहीं से भी गलत नहीं है। और इनमें से कुछ मेन चीज ना मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूंगा। पहली बात दोस्तों पॉल हेमन का कहना है कि रोमन रेंस के आने के बाद से WWE की जो नेट प्रॉफिट थी ना वो भाई जस्ट डबल हो चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों ये रोमन रेंस के साथ साथ निक खान को भी मेंशन किए थे और अपने गेम ट्रिपल एच को भी, यानी बिजनेस भाई WWE का बूम कर ही चुका है, ये तो हम सभी को पता है। और दूसरा कि सबसे बड़ा ड्रॉ सोशल मीडिया पे अगर किसी ने लाया है ना तो रोमन रेंस ही है। यानी भाई यहाँ पर पॉल हेमन रोमन रेंस को लेकर ना काफी तारीफ भी कर रहे थे और इन्होंने WWE में क्या इम्पैक्ट डाला है ना वो भी, क्योंकि हम सभी को पता है भाई कि WWE का प्रोडक्ट कैसा था 2020 में, लेकिन रोमन रेंस के आने के बाद तो भाई वो प्रोडक्ट भी ना नेक्स्ट लेवल तक चला गया था। और इस पर दोस्तों रोमन रेंस बोलते भी हैं कि उस टाइम को काफी ज्यादा एंजॉय भी किए थे, यानी PG एरा को, और वैसे भी अभी PG ही चल रहा है, नेटफ्लिक्स पर आने के बाद ही कुछ होगा। और इसके बाद दोस्तों आगे पॉल हेमन ना रोमन रेंस को लेकर ये भी बोलते हैं कि माउंट रशमोर में ना 3 हेड्स होते हैं और इसमें एक तो रोमन रेंस का भी है। यानी भाई यहाँ पर भी ना अपने पॉल हेमन भाई कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे थे रोमन रेंस के प्रति वफादार रहने को लेकर, बल्कि इनका ये भी कहना था कि जैसे ये ब्रॉक लेसनर के साथ काम करते हुए अंदर से काफी अच्छा फील कर रहे थे ना, सेम ऐसे ही वो रोमन रेंस के साथ भी फील किए और इनको इनके ही साथ भाई वर्क भी करना था। और ये दोनों ही लोग ने मिलकर भाई क्या बवाल मचाया ना कोविड टाइम से, वो तो हम सभी को पता भी है भाई। WWE कोई देख नहीं रहा था उस टाइम, लेकिन ये दोनों ही लोगों ने आकर भाई बिजनेस का बैकबोन बने थे। खैर दोस्तों, बल्कि इस इंटरव्यू के दौरान ना रोमन रेंस जे उसो को भी लेकर बात करते हैं और इनसे इनके कैरेक्टर को भी लेकर क्वेश्चन किया गया था कि इनके लिए कौन सा बेस्ट है, बेबी फेस या हील वाला। तो भाई यहां पर रोमन रेंस का कहना है कि बेबी फेस के साथ अगर ये काम करेंगे ना तो ये काफी आसान होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो भाई एक बैड गाय के साथ काम करने में। यानी भाई रोमन रेंस को अभी भी हील वाला ही कैरेक्टर ज्यादा पसंद आ रहा है और क्या पता भाई हमको एक और इनका हील रन देखने को मिल जाए फ्यूचर में, क्योंकि द रॉक के केस में भी भाई ऐसा ही था, किसी ने कभी सोचा था कि इस टाइम पर द रॉक का हील टर्न देखने को मिलेगा, लेकिन मिला ना। तो ऐसे ही दोस्तों मान सकते हैं अभी नहीं लेकिन आने वाले टाइम में, यानी फ्यूचर में हमको फिर से अपने ट्राइबल चीफ का हील रन देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी के लिए तो भाई हमको इनका ना फेस रन देखना है कि आखिर इसमें ये क्या बवाल मचाते हैं, क्योंकि अभी तक भाई इनका प्रोमो सुनने को नहीं मिला है जब से ये बेबी फेस बने हैं। और इसके लिए तो भाई मैं क्या, काफी लोग काफी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। तो भाई अब देखते ये चीज कब होता है और क्या नेक्स्ट स्मैकडाउन पर रोमन रेंस हमको देखने को मिलते भी या नहीं। तो भाई रियूनियन तो हो चुका है रोमन रेंस और पॉल हेमन का, और अब बस यही रियूनियन भाई हमको WWE रिंग में देखने को मिल जाए, उसके बाद तो भाई अलग ही लेवल की वाइब आने वाली होगी, क्योंकि उस टाइम क्राउड का रिएक्शन ही कुछ अलग होगा। खैर दोस्तों वैसे अब देखते हैं ये कब होता है, लेकिन बहुत जल्दी हमको देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों इंटरव्यू तो भाई ये काफी शानदार था, वैसे आपका इस पर क्या ओपिनियन है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी WWE की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।